महाराष्ट्र में चुनाव से पहले शुरू हो गया है ध्रुवीकरण का खेल। भड़काऊ भाषण के मामले में बीजेपी विधायक नितेश राणे के खिलाफ दो केस दर्ज। तेरे को जो भाषा में समझता है ना, वो भाषा में धमकी देके जा रहा हूँ। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की, तो तुम्हारे अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। संविधान की शपथ लेकर विधायक बने नितेश राणे चुनावी मौसम आते ही एक मजहब के लोगों को खुलेआम धमकाते दिखे। अहमदनगर में ये रैली सरला द्वीप के महंत रामगिरी महाराज के समर्थन में की गई थी, जिन पर पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का आरोप है। अगर तुम्हारी कौम की अगर चिंता होगी तो हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ कुछ भी बोलने का नहीं, वरना वो जवान हम लोग सही पे रखेंगे नहीं, ये तुम लोग याद रखना। कणकवली से बीजेपी विधायक नितेश राणे पर भड़काऊ भाषण के आरोप में FIR दर्ज हो गई है। नितेश राणे के खिलाफ दो केस दर्ज हुए हैं। उन पर अहमदनगर के तोफखाना और श्रीरामपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। नितेश पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप है। जब तक ये दंगे नहीं करते, चुनाव को सामने नहीं जा सकते, इसीलिए हर मुद्दे पर ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। ये राणे नितेश अनाप शराब बकवास की, उन्होंने पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जहर सा घोल दिया। नितेश राणे ने मुसलमानों के खिलाफ ऐसे वक्त में ये हेट स्पीच दी है जब NDA सरकार महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने से घिरी हुई है। बुलडोजर एक्शन पर अब गाइडलाइन बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा, लड़के की गलती पर पिता का घर गिरा देना सही नहीं। चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य हो, किसी अपराध की वारदात पर बुलडोजर से आरोपी का घर गिरा देना शायद आगे इतना आसान न हो। सुप्रीम कोर्ट को ये उचित नहीं लगा कि किसी अपराध का आरोपी होने के चलते किसी का घर गिरा दिया जाए। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बुलडोजर वाली कार्रवाई को लेकर कुछ दिशा निर्देश तय करने की जरूरत है। हम भी अवैध निर्माण को बचाने के पक्ष में नहीं है, लेकिन किसी लड़के की गलती के चलते उसके पिता का घर गिरा देना सही नहीं है। जिस पर अवैध निर्माण करने का आरोप हो, उसे नोटिस भेजकर जवाब और अपील का मौका देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी बच्चे के पिता का घर बुलडोजर से ढा देने के मामले में यह टिप्पणी की। कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा कि वो इस पर वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी को सुझाव दें। उन सुझावों को देखने के बाद बुलडोजर एक्शन पर देश भर के लिए गाइडलाइंस बनाई जाएगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 सितंबर को रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें एक ऐसी गाइडलाइंस फ्रेम करेंगे जो पूरे भारतवर्ष में लागू होगी, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन उसको रिमूव करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। इसमें कहा गया है कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। क्या जाति जनगणना के पक्ष में है RSS? RSS ने आज जो संकेत दिए हैं उससे तो यही मायने निकाले जा रहे हैं। RSS ने जाति जनगणना पर आज अपना रुख साफ कर दिया। RSS के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा, उससे ये संकेत मिले हैं कि संघ भी जाति जनगणना से सहमत है। एज अवर सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी, वी हैव द सेंसिटिव इश्यू ऑफ अवर कास्ट शुड बी डील्ड वेरी सीरियसली। Earlier also it has taken, so it can take it, no problem. It should be only address the welfare of those communities and caste. तो RSS सपोर्ट में भी दिख रहा है, लेकिन जाति जनगणना के राजनीतिक इस्तेमाल को लेकर संघ ने आगाह भी किया है। कांग्रेस इसे RSS का जाति जनगणना विरोधी बयान बता रही है। कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा गया है, RSS ने जातिगत जनगणना का खुलकर विरोध कर दिया है। RSS का कहना है, जातिगत जनगणना समाज के लिए सही नहीं है। इस बयान से साफ है कि बीजेपी और RSS जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। जो समाज को तोड़ते रहे हैं, वो लोग अगर कहें कि जाति जनगणना से समाज में दूरियां होंगी, ये तो वही कहावत हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कई सालों से मना करते आ रही है कि जाति जनगणना जो है नहीं होनी चाहिए। इसमें तो सब लोगों ने जवाब देखा ही है बीजेपी का पार्लियामेंट। कथनी इनका कुछ है, करनी कुछ और है। राहुल गांधी भी बार बार कहते रहे हैं कि कांग्रेस जाति जनगणना करा कर रहेगी। ABP News आपको रखे आगे।